गुड मॉर्निंग आल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्कूल ऑफ साइंस UPRTU. बेसिकली आज का जो टॉपिक है मेरा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि स्टैट्स के BA और BSc के बच्चों के लिए है, प्लस जो भी बायोकेमिस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस. हालांकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों के जो टॉपिक हैं और भी प्रिंसिपल ऑफ लीस स्क्वायर, कोलरेशन एंड सो ऑन, रिग्रेशन एंड रैंक कोलरेशन, मल्टीपल कोलरेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. बट टाइम हम लोगों के पास लिमिटेशन है कि 35 मिनट का हम लोगों का लेक्चर है, तो उसमें हम लोग जितना मैक्सिमम कवर कर पाएंगे उतना ही करेंगे. सबसे पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ क्या है. तो बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स को हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ कॉमन मैन. ये एक आम आदमी का विज्ञान है. मींस अगर और लिटरली कहना चाहें तो इसका मतलब है कि हम हर व्यक्ति के लिए जो भी डेटा, मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है कि नहीं है, वो डिसाइड करना ये आपके ऑब्जेक्टिव का काम है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. इट मींस कि सबसे पहला काम है कि हमारे पास कलेक्शन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसका कलेक्शन करेंगे. और कलेक्शन किस फॉर्म में करेंगे, हमारे काम का क्या है, यही सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का. हम समझ के ये चल रहे हैं कि आपको डेटा के बारे में कि प्राइमरी डेटा किसे कहेंगे, सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे, और स्केल की कौन सा, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों का जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश में, बट हमारी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मॉड्यूल में. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं, हालांकि स्टैटिस्टिक्स हिंदी में पढ़ाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को तब पर भी मैक्सिमम हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स में ऐसे हैं जो कि हम उसका हिंदी बहुत टिपिकल है, तो उसी को जैसे कि हम लोग ला में करते हैं कि ला के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो मजबूरी में हमको इंग्लिश में ही वो करना है, उसका हिंदी प्रोनंसिएशन बहुत टिपिकल है, उसकी मीनिंग भी बहुत टिपिकल है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. What do we mean by measure of central tendency? Central tendency किसे कहेंगे, central tendency का use क्या है. Basically किसी भी object का एक nature होता है कि वो अपनी central value की तरफ tend करना. It means कि अगर कोई object हम लें उसको same frequency से, same direction में, और अगर same power के साथ अगर हम उसको फेंकें अपने किसी भी direction में, तो उस वो क्या है कि अगर हम 100 बार फेंकेंगे उसको, तो कम एटलीस्ट 90% वो एक ही पॉइंट पे पिन कर, मतलब गिरेगा. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे डेटा से, कि डेटा से मतलब है कि हमारा डेटा भी सेम वही, अगर सब सारी चीज़ें रैंडम हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, वो भी अपनी सेंट्रल वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा. तो इसीलिए हम लोग क्या कर चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए वो फुलफिल करें. तो सेंट्र डेटा का नेचर हमें पता है कि डेटा का नेचर यह है कि अपनी सेंट्रल वैल्यू की तरफ अप्रोच करे. अब सेंट्रल वैल्यू की तरफ अगर अप्रोच करेगा तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स आने चाहिए या मेथड होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि डेटा का पहला नेचर है कि हमारे पास कलेक्शन हुआ, इंफॉर्मेशन हमारे पास आई और सिस्टमेटिक फॉर्म में आई कि डेटा कैसा. तो डेटा बेसिकली दो तरीके का है, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो दोनों में हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट जो है कि डेटा हमारे पास आ गया, कलेक्शन है डेटा का बहुत बड़ा ब्रॉड कलेक्शन, उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की होगी हम उसे लेंगे और उस इंफॉर्मेशन से हमारे ऑब्जेक्टिव का जो मेन मोटिव है वो फुलफिल होना चाहिए. इट मीन्स द मेथड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
दिस इज नोन एज मीन, मीडियन, मॉड. हर केस में अलग अलग डेटा का जैसा नेचर होगा वैसे हम टूल अप्लाई करेंगे. मीन, मीन भी बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अब क्या करते हैं कि अगर हमारा डेटा का नेचर जैसा होगा वही टूल हम अप्लाई करते हैं. तो इन दिस केस सिंस ईच ऑफ द एबव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैड इट्स ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज, ए डिसीजन मस्ट ऑलवेज बी टेकन एज विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पर्पज ऑफ द इंक्वायरी. अब हम क्या करते हैं कि हम कैसे डेटा, मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं डेटा की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को वो करने के लिए ये तीन चार आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं. बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पे स्केल की बात करते हैं. और सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये डेटा है रेनफॉल का, इस रीजन में इस महीने में इतनी बारिश हुई. फिर हमारे पास ये डेटा दिया गया है, अब हमें क्या करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है. मीन मतलब लिटरली अगर हम मीन कहेंगे तो अर्थमेटिक मीन की तरह अप्रोच करेंगे. अब यहाँ पे क्या है कि मीन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सपोज हमारे पास वैल्यूज अगर कहें, सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन अगर हम लें x1 x2 डैश डैश डैश, अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं, मीन्स n ऑब्जर्वेशन है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको मीन, अगर हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए तो सबसे पहले हम एक फार्मूला जो है एक्स बार को हम क्या कर डिनोट कर रहे हैं, दिस इज मीन ऑफ एक्स. एक्स मीन्स दिस इज द वेरिएबल ऑफ एक्स. इट मीन्स वेरिएबल किसे कहेंगे, जो वेरी करे, एटलीस्ट उसके पास टू वैल्यूज हो. तो हमारे पास क्या है, इस वेरिएबल के पास एक्स के पास डिफरेंट वैल्यूज हैं x1, x2, xn. तो जो कॉमन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ सिंपल केस, जब हमारे पास का फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, केस वन जब हम स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट, इट मींस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन. इन दिस केस आवर फार्मूला इज एक्स बार दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. इट मींस कि जो भी x1, x2, xn की वैल्यू, समेशन मतलब जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, x1, x2, xn जो वैल्यूज हैं उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इट मींस दिस इज x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn डिवाइडेड बाय n. n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसको हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन. इट मींस अर्थमेटिक मीन मतलब लिटरली हम लोग मीन को ही अर्थमेटिक मीन कर रहे हैं. व्हेन, कब, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ रिपीटिशन. इट मींस अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, या फ्रीक्वेंसी दूसरे केस में हम लोग स्टडी करेंगे कि इन केस ऑफ केस टू व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन. फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास की रहे, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन. सपोज x1 हमारा f1 टाइम, मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन. सपोज x1 की वैल्यू 1 है तो 1 कितनी बार आया होगा आपके डेटा में, 1 1 1 1 1. इट मींस 1 जो है 5 टाइम्स. तो क्या कहेंगे कि 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है. इट मींस 1 5 टाइम्स. 2, इसी तरह से आपके पास सपोज डेटा में 2 दो बार है तो हम क्या कहेंगे, 2 टाइम्स. इन दिस केस अगर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है. दिस फार्मूला इज नोन एज अर्थमेटिक मीन. अब क्या करेंगे हम इसमें, हमारे पास फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स बार व्हेन कब, कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, मतलब हमारा जो डेटा है वो रिपीटिशन अलाउ कर रहा है या रिपीटिशन उसमें है. अब क्या करेंगे, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस डैश डैश डैश
xn into fn divided by f1 plus frequency of f2 second वाले का डैश डैश frequency of fn. इसको हम कभी कभी नो सिंबल्स में यूज करते हैं कैपिटल N से. कैपिटल N मीन्स कैपिटल N वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन. इसको कैसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से सिस्टमेटिक फॉर्म में मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई. तो हमारे पास यही फार्मूला हो गया जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. अब सपोज हमारे पास नेक्स्ट अब हमारा सपोज हमारे पास डेटा जो है डेटा बहुत बड़ा हो गया मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. अब हम क्या करें उस केस में और हमारे पास ना तो कंप्यूटर है अगर हमें मैन्युअली उसे करना है तो हम क्या करेंगे मैन्युअली हम लोग कैसे करेंगे. मैन्युअली करने का तरीका है अगर डेटा हमारा क्या है बहुत बड़ा है उस केस में हम लोग मैन्युअली अगर करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना है एक जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को रिड्यूस करते हैं मतलब छोटा करते हैं. सपोज हमारे पास है x जो वैल्यू है x1 x2 अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया xn n वैल्यूज हैं अगर n टेंस टू इन्फिनिटी इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में हम करेंगे कि डेटा रिडक्शन टेक्निक जिसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड उस मेथड से भी हम मीन को अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्या करें हम इसमें सबसे पहला काम कि हम इसको इस डेटा जो हमारा n डेटा है और लार्ज डेटा है वैल्यूज उसकी x1 की सपोज 1000 या कुछ ऐसा नंबर्स हो जिसको कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम होती है मैनुअल कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं इस वैल्यू को हम छोटी कर दें मतलब छोटा वो वैल्यू छोटा हो जाएगा तो कैलकुलेशन की सहायता से कैलकुलेशन करने में भी हमें आसानी होगी. उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस मेथड को हम लोगों ने स्टडी किया है ये हमारे पास सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास ये डेटा है 60, 65, 74, 85, 95. अब हमें क्या करना है इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड हम क्या करेंगे कि इसकी जो मिडिल वैल्यू हो जनरली हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं ए इज द एज्यूम्ड मीन इसको कहते हैं. हम प्रयास ये करते हैं कि सेंट्रल वैल्यू को ही लेते हैं कोई कहे कि नहीं सेंट्रल वैल्यू को नहीं लेते आपकी इच्छा जनरली प्रयास यह है कि कैलकुलेशन आसान हो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो आप ए चाहें तो इसको भी ले सकते हैं या आपकी मर्जी कि आप जो भी करें. उस केस में हमारा ये जो फार्मूला बना है यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है उस केस में एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार मीन्स डेविएशन. आपके पास यहाँ पे जो डी हमने सिंबल्स यूज किया है डी वन प्लस डी टू तो डी वन क्या है यहाँ पे डी वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस ए. एक्स वन माइनस ए मतलब पहली वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 60 माइनस एज्यूम्ड मीन हमने किसे कहा यहाँ पे ए को हमने लिया 74 तो 74 इट मीन्स 60 माइनस 74 कैलकुलेशन में देख रहे होंगे आप माइनस 14 इसी तरह से सेम हम जाएंगे तो माइनस 9 0 11 21 एंड 9. अब हमारा फार्मूला क्या कर रहा है कि जो आपकी ए वाली वैल्यू है ए को हमने कहा कि 74 प्लस बी बार मतलब इन सब का मीन कितना आएगा. अब यहां पे हमारा जो है अब आ गया मीन की वैल्यू 74 और टोटल होल वैल्यू जो अभी थी हमारे पास आपका जो सम करेंगे दिस इज 9 अगेन तो क्या हो गया हमारे पास 9 वैल्यू जो है तो हमारे पास आया क्या कि a प्लस d बार जो हुआ 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू आपका नेक्स्ट है 74 प्लस 9 बाई 5 दिस इज इक्वल टू 75.8. इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x है x के करिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो f1 है x2 के करिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है f2 है x3 के करिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो f3 है. अब हमें क्या करना है इस केस में अगर हमें निकालना है इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड हम क्या करेंगे कि हमारा जो फार्मूला होगा
तो समेशन है एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ वन एक्स वन की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वन की जगह ये वैल्यू एक्स वन माइनस ए, एफ टू एक्स टू की जगह एक्स टू माइनस ए। इस केस में हम प्रोसीड करते चले जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला जो आएगा वो आएगा, हम मल्टीप्लाई करें एफ एफ आई एक्स आई माइनस, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन माइनस ए। इट मीन्स हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि दिस इज एफ आई एक्स आई अपॉन एन, फार्मूला क्या होता है हमारे पास मीन का, मीन का फार्मूला हमारे पास है एक्स बार दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एन, ये क्या हो गया एन यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज एक्स बार एन प्लस माइनस ए। अब हमारे पास एन का जो फार्मूला बना वो क्या बनेगा, ए दिस इज ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार इट मीन्स ए प्लस समेशन एफ आई वन अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई, वेयर डी आई इक्वल टू डी वन डी आई मतलब डी वन माइनस डी वन, जो एज्यूम्ड मीन आपका है वो कैलकुलेट करेंगे आप उससे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट ये जो मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने कहा कि दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ द मीन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच स्कोर द सम ऑफ द डिफरेंसेस विल इक्वल जीरो, दिस प्रॉपर्टी रिजल्ट्स फ्रॉम दैट फैक्ट द मीन इज बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन कैन बी टॉट ऑफ एज द फुल कम ऑफ द when the scores of distribution along the according their values, the mean of the distribution occupies the position where the scores are in balance. This is known as first property of arithmetic mean. It means first property of arithmetic mean, अगर आप कहना चाहें तो क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास observation है, अगर हम देखना चाहें तो suppose हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है x1 to xn, n ऑब्जर्वेशन है, लिटरली अगर हम कहना चाहें मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करा है कि आप समेशन कर दीजिए किसका एक्स आई माइनस एक्स बार जो मीन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर चाहे तो एग्जांपल ले लें, वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यू हुआ, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन सपोज अगर मीन आया थ्री तो हम क्या करेंगे एक्स वन माइनस थ्री टू माइनस थ्री फोर माइनस थ्री एंड फाइव माइनस थ्री। अब हमारे पास क्या आया ये वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो एंड माइनस वन एंड माइनस टू, इट मीन्स क्या हो गया जीरो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द स्कोर्स अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। इट मीन्स अगर हम देखना चाहें तो क्या है कि अगर हम क्या करें समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दें तो वो वैल्यू मिनिमम आएगी। इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें कि इसको प्रूफ करने के लिए बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, लेट अस सपोज दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ए, एक हमने कहा कि जो डेविएशन ले रहे हैं जो मीन पॉइंट है, अभी हमें नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा है, जो डेविएशन पॉइंट है वो क्या होगा आपका ए, तो हमने क्या कहा कि समेशन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए, ए इज द पॉइंट। अब इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, अगर ये पॉइंट एक्स बार हो जाए तो वो वैल्यू क्या हो, हम दिखा दें कि वो वैल्यू
मिनिमम होगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इट मीन्स एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर दिस इज के। के क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जो ए, ए जो होगा वही। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के विल बी मिनिमम इफ, किस कंडीशन में? कि डेल के अपॉन डेल ए करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, उसकी वैल्यू जीरो करें, अगर जीरो के बराबर इक्वल इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, दैट वैल्यू इज नोन एज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। हम देखते हैं डेल के अपॉन डेल ए करेंगे तो इस केस में डिफरेंशिएट जब करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन माइनस टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए इक्वल टू जीरो और हम मल्टीप्लाई करें समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, और हम जानते हैं समेशन एफ आई इक्वल टू एन, तो कैपिटल एन इंटू ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स आई। तो हमारे पास जो वैल्यू आई पहले डेरिवेटिव में ए की वैल्यू हमारे पास एक्स बार। अब हम इस यहाँ डेल टू अपॉन डेल ए स्क्वायर करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आया? टू एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। टू समेशन एफ आई, और समेशन एफ आई को हम लोग जानते हैं कि वो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, तो और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन, और फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स उसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो और अब हमारी जो कंडीशन थी कि के की जो मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ए की वैल्यू एक्स बार आई, तो वो ए इक्वल टू एक्स बार एंड समेशन एफ आई एक्स आई जो होगा, ए की जगह हमने कहा था कि ए की कौन सी वैल्यू, तो ए की कौन सी वैल्यू आई पीछे देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स बार। इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ? एक्स बार इज द मिनिमम वैल्यू। इट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज द मिनिमम वैल्यू। इसी को अगर हम देखना चाहें तो सिग्मा स्क्वायर मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, क्योंकि आप लोग देखें कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कोई भी डिस्पर्शन निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो रेंज हो, चाहे वेरियंस हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन हो। कोई कहता कि रेंज कभी भी निगेटिव होगा? कभी नहीं। तमाम एग्जाम्पल्स भी आते हैं कि अगर हर जगह का सपोज जम्मू कश्मीर का रेनफॉल ले लिए या टेम्परेचर ले लीजिए, तो टेम्परेचर क्या होगा जम्मू कश्मीर का? कुछ हमें जो पता है कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर हमेशा निगेटिव में होता है, निगेटिव 22-5। अगर सारी वैल्यूज निगेटिव है उस केस में अगर रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या होता है? रेंज दिस इज एक्स एन माइनस एक्स एन, मतलब एक्स मैक्स जो बड़ी वाली वैल्यू माइनस उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो अगर निगेटिव पॉइंट जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू, सपोज ये हमारे पास वैल्यू है 7-5, इसमें से 8 हो जाए तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? -2। मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस। मिनिमम वैल्यू कितना है इसमें से? -20। तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स -2 + 18, तो क्या आ गया? 16। दिस इज पॉजिटिव। इसी तरह से हम उसको देख सकते हैं, दिस इज नोन एज डिस्पर्शन। अब हमारे पास आया कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय बोथ डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि हालांकि हम जो फार्मूला डायरेक्ट मेथड से फार्मूला से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो वैल्यू शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों सेम वैल्यू आती हैं कि अलग अलग, क्या यह सही है कि नहीं है? इसको भी जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, सपोज ये हाइट है 200, हाइट जो है सेंटीमीटर 219 सेंटीमीटर हाइट है, कितने लोगों की? दो लोगों की। अगर हम कहना चाहें तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन है? दिस इज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये क्या हो गया? दिस इज एक्स। अब हमारे पास इस डेटा का अगर इंटरप्रिटेशन करना चाहें और डेटा की मीनिंग क्या है उसको समझना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 216 चार बार आया, 213 छह बार उस डेटा में, 210 10 टाइम्स, इस तरह से ये डेटा हमारा चल रहा है। अब इसका क्या करना है? हमें दो तरीके से मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला एक्स बार दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन
समेशन एफ आई, और हमें पता है समेशन एफ आई क्या होता है, कैपिटल एन के बराबर होता है। इस केस में हमारे पास ये वैल्यू, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है, ए प्लस समेशन, ये आपका इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड और दूसरा इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पूरा समेशन एक्स की वैल्यू को जोड़ दें, एक्स की वैल्यू को जोड़ दें और टोटल उसकी जो फ्रिक्वेंसी आई है नीचे वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो हमारे पास क्या डायरेक्ट मेथड से ये वैल्यू आ गए। इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास जो फार्मूला था, ए मतलब एज्यूम्ड मीन जो हमने कहा है प्लस ये वाली वैल्यू 1/n समेशन एफ आई डी आई, तो हमारे पास एफ आई डी आई करेंगे तो 27 आएगा। और ये हमारे पास एज्यूम्ड मीन हमने क्या कहा, सपोज किया कि 207 है, उसको डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। इट मींस इन केस ऑफ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड द वैल्यू आर सेम। तो आप एकदम उसमें नहीं होंगे कि नहीं हम इस मेथड से कर रहे हैं तो हमारा गलत होगा या सही होगा, कुछ नहीं, सेम वैल्यूज आएंगे। उसमें दूसरा मेथड हम क्यों यूज करते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास डेटा बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब बहुत बिग है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो वैल्यूज हैं उसकी वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, डिजिट्स उसके बहुत बड़े हैं, तो उस केस में कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो या रिड्यूस करना है या रिमूव करना है, उस केस में हम यूज करते हैं। एक आया कंबाइंड, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, कंबाइंड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीन। इट मीन्स अगर हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारे पास x1 है उसका मीन है x1 बार, x1 में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, सपोज x11, x12, इस तरह से x1n, इसी तरह से x2 वाला जो वेरिएबल है उसके पास x21 to x2n, इसी तरह से हमारे पास xn के पास n1 और xn2 से xnn, हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशंस। अब इस टाइप का डेटा रहे तो उस केस में हम कैसे अर्थमेटिक मीन या मीन कैलकुलेट करते हैं, उसका जो मेथड है उसी को कहते हैं कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। इट मींस इसको दूसरे वर्ड से हम क्या कहते हैं कि वेटेड मीन। वेटेड मीन मतलब इस जो हमारे पास डेटा है, ये जो डेटा है, ये डेटा है, उसका कंबाइंड मीन हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हमें फार्मूले की सहायता से एक्स बार, जो हम नोटेशन यूज करते हैं, दिस इज एन वन इंटू एक्स वन बार। इट मीन्स जो एन वन मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, पहले वाले सीरीज में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसको हम कहेंगे एन वन, दूसरे वाले एक्स टू वेरिएबल में जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे एन टू, ठीक है। तो इसी तरह से अगर दो सीरीज अभी हमारे पास हैं तो उसको हम, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। इन केस ऑफ हमारे पास अगर एक्स वन एक्स टू एन वेरिएबल हो गए, उसके करिस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है और एफ एन हो गया, अब हमारे पास क्या है कि अगर एक्स वन के पास जो ऑब्जर्वेशन है एन वन है, एक्स टू के पास एन टू है और एक्स एन के पास एक्स एन एन वैल्यूज हैं, इस केस में हमारा फार्मूला क्या होगा, हम क्या आराम से दिस इज एक्स बार एन वन इंटू एक्स वन बार प्लस एक्स टू इंटू एक्स टू बार इंटू एन टू प्लस एन एन इंटू एक्स एन बार डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस डैश डैश एन एन। दिस इज कंबाइंड मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास है इन केस ऑफ एन वेरिएबल, और अभी जो आपकी स्लाइड में दिख रहा है वो दो वेरिएबल के केस में है। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले को जनरलाइज करके उसका एग्जाम्पल हम देख लें। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब हमारे पास ये जनरल केस आ गया, जो फार्मूला अभी हमने आपको डेरिवेशन करके दिखाया, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। एक हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल जो दिख रहा है, द एवरेज एज ऑफ 25 मेल्स एंड 210 फीमेल्स इन विलेज आर 41.6 एंड 38.5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, दिस इज नोन एज एन वन एंड दिस इज एन टू, दिस इज एक्स वन बार एंड एक्स टू बार। अब हमारे पास क्या है कंबाइंड मीन का, कि हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज एज कॉम्बिनेशन बोथ मेल एंड फीमेल टूगेदर। हमारे पास दिस इज एन वन एक्स वन बार एन टू एक्स टू बार, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला
क्या हो जाएगा, एन वन इंटू एक्स टू बार, एन वन बार प्लस एक्स टू इंटू एन टू बार डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। हमारे पास जो आ गया कंबाइंड मीन है उसका जो फार्मूला वैल्यू आई वो 40.18 ईयर। इट मीन्स अब हमें क्या है कि मीन का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन का सबसे बड़ा यह है कि मीन एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसका मतलब अगर हम देखना चाहें तो अगर एग्जाम्पल लें तो हमारे पास वैल्यू अगर 5 5 5 5 अगर है तो उसका मीन आएगा कितना, 5। ओके अगर इसमें एक वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब एक वैल्यू 1000 में ऐड कर दें तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा 5 से बहुत बड़ा हो जाएगा और वो हमारा डेटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ अर्थमेटिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कहेंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये अर्थमेटिक मीन का कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से पूरा डेटा का ही नेचर बदल जाता है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटेशन ऑफ मीन और इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे तो उसके आगे मीन की जो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और भी चीजें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन।